Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing units and measurements, and this is lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching this part 3. पिछली क्लास में हमने बात किया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, और उसमें हमने पैरेलेक्स मेथड की भी डिस्कशन की थी, जिससे कि हम बड़े दूरी को, लार्जर डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं। और हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मेथड की भी बात की थी, जिससे हम छोटे डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं। लेकिन आज हम रेंज ऑफ लेंथ की बात करेंगे और कुछ और भी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि रेंज ऑफ लेंथ क्या है, कितनी बड़ी लेंथ हो सकती है, छोटी से छोटी कितनी होती है, बड़ी से बड़ी कितनी होती है, और उसको मेजर कैसे करते हैं। तो जो सबसे छोटी लेंथ हो सकती है वो 10^-14 एटॉमिक साइज होती है, एटॉमिक रेडियाई होती है न्यूक्लियस की, तो हम एटम की रेडियाई होती है। और 10^-15 जो होता है उसको हम कहते हैं 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10^-15 मीटर। चाहे इसको थोड़ा और डिटेल लिख देता हूँ कि 1 फर्मी मीटर, इसको पूरा नाम है 1 फर्मी मीटर, मीटर इज इक्वल टू 1 FM, शॉर्ट में इसको कहते हैं 10^-15 मीटर होता है। इसी तरह से उससे जो थोड़ी बड़ी लेंथ होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये भी यूनिट है। हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ लेंथ की, हम बात कर रहे हैं आज रेंज ऑफ लेंथ की, रेंज ऑफ लेंथ, ठीक है, ये टॉपिक हमारा। 1 एंगस्ट्रम जो होता है, एंगस्ट्रम, ये 1 एंगस्ट्रम ऐसे, ये 10^-10 मीटर होता है। तो ये छोटी छोटी लेंथ मेजर करने का यूनिट है। इसी प्रकार से लार्जर डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होता है, ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10^11 मीटर होता है, 10^11 मीटर होता है। लगभग लगभग ये 14-15 लाख किलोमीटर, ठीक है ना, 10^11 मीटर ये होता है। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इससे हम बड़े डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वैसे ही लाइट की जो स्पीड है उसके हिसाब से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। आपको पता है कि लाइट जो है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड होती है ना, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है लाइट। तो एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10^15 मीटर। ये जो होता है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर ये होता है पूरा कितना। तो ये होता है 9.46 इंटू 10^15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर, ये भी एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं या बड़े बड़े प्लेनेट जो हैं, जो अभी हमसे काफी दूर है, वहां से कोई लाइट आ रही है किसी स्टार से, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये इतना दूर है। कई ऐसे भी स्टार हैं जिससे लाइट आने में हजारों साल लगते हैं, ठीक है ना। तो 2.38 अरब ऐसा ईयर बर्स लगा है, लाइट डिटेक्ट हुई है। तो ऐसा है कि ये यूनिवर्स में इतना बड़ा रेंज है। इसी तरह से 1 पार्सेक, एक पार्सेक होता है, पार्सेक, ये 1 पार्सेक क्या होता है, ये होता है 3.08 × 10^16 मीटर। ये होता है कि अर्थ एक आर्क में
यूनिट आर्क में कितना डिस्टेंस एंगल, वन आर्क सेकेंड में कितना एंगल बनाता है, या वन आर्क सेकेंड में जो रेडियस है एवरेज रेडियस अर्थ का वो बनाता है, तो उसको हम कहते हैं वन पार्सेक। डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सटेंड एन एंगल ऑफ वन आर्क सेकेंड दैट इज। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है, तो मास की मेजरमेंट कैसे होती है? जैसा कि आपने देखा कि मास की एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम। ये किलोग्राम क्या है? तो किलोग्राम, वन किलोग्राम केजी इज ए प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है, विच इज केप्ट इन, केप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, मेजर्स इन फ्रांस, ठीक है, एंड सच ए प्रोटोटाइप ऑफ दैट, प्रोटोटाइप यानी कॉपी ऑफ दैट इज केप्ट इन डिफरेंट लेबोरेटरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में ये एनपीएल में रखा गया, केप्ट इन एनपीएल। एनपीएल क्या होता है? ये होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन दिल्ली, राइट ना। तो ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में रखा हुआ है, फिजिकल लेबोरेटरी इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसी का प्रोटोटाइप और बना बना के मार्केट में भी आता है, जो अलग अलग मेटल्स का बना होता है ना। तो ये किलोग्राम, अब किलोग्राम में मेजर किया, अब किलोग्राम में जो वेट है, वेट मेजर करने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहें तो बहुत छोटा होता है, और इसी तरह से मास ऑफ पूरा यूनिवर्स है तो बहुत बड़ा है। तो मास का रेंज भी बहुत है, एक छोटे से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर के और मास ऑफ यूनिवर्स तक। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मास एन इलेक्ट्रॉन इज 1.66 × 10⁻²⁷ केजी, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेयर एज मास ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स इज 10⁵ केजी। इसका मतलब रेंज जो है ये लगभग लगभग 10⁻82 का रेंज है यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा ह्यूज रेंज है मास का। और हम मास ऑफ यूनिवर्स जो है अभी तक जो हमें पता है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि 10⁵55 केजी का ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। तो मास के बारे में, मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में इतनी बात जाननी है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सोच सकते हो कि प्लेटिनम रिडियम का क्यों बना हुआ है, तो प्लेटिनम रिडियम का इसलिए बना होता है कि इसमें एक तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का बहुत फर्क नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जाड़े में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाए तो कम हो जाए, श्रिंक हो जाए, या गर्मी में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाए, या इसमें ह्यूमिडिटी का कोई फर्क नहीं होता, प्लस इसमें इरोजन बहुत लेट होता है। फिर भी अभी पिछले साल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसमें करेक्शन किया और किलोग्राम को नए तरीके से डिफाइन किया, लेकिन अभी आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अभी यही लिखने की जरूरत है जो इसमें लिखा हुआ है, यही जानने की जरूरत है, उसको फिर बाद में कभी बताया जाएगा। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम की मेजरमेंट कैसे होती है, और एक सेकंड क्या है, ये भी आपको बता दूंगा अभी, एक सेकंड क्या है, एक मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, तो ये सारी चीज भी डिफाइन की जा सकती है। हालांकि ये यूजफुल नहीं है इतना एग्जाम के पर्पस से, लेकिन आप किताब में भी डिफिनेशन लिखा है देख सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में क्या बताना है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम जो होता है वो सीजियम एटॉमिक क्लॉक के वजह से मेजर किया जाता है, और ये पुराना क्लॉक है जो सीजियम वाइब्रेशन के आधार पे और उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन के आधार पे एक सेकंड को डिफाइन किया गया है।
और ये एटॉमिक क्लॉक में सीजियम-133 को इस्तेमाल किया गया है, और एटॉमिक क्लॉक में इस एटम के 91, 92, 631 एंड 770 वाइब्रेशन वाइब्रेशन इतने वाइब्रेशन को 1 सेकेंड कहा गया, इज कॉल्ड 1 सेकेंड। इसलिए इसको एटॉमिक क्लॉक या सीडीएम क्लॉक भी कहते हैं। तो इस तरह का ये एटॉमिक क्लॉक है, सीजियम एटम की वजह से है, इसलिए इस क्लॉक को एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, और इसको सीजियम क्लॉक भी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपको किताबों में फिगर होगा, वहां से देख सकते हैं कि फिगर कैसा है। लेकिन इतने वाइब्रेशन को जो सीजियम एटम का है उसको 1 सेकेंड कहा गया, और टाइम की फर्दर यूनिट आपको बताई है कि 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, और फिर 1 आवर होता है उसमें कितने होते हैं, उसमें 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 डे का मतलब क्या है, 1 डे में होता है 26,400 सेकेंड्स, लाइक दिस। तो ये सब हम पहले बता चुके हैं, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में ये सब बातें कही जा सकती है, ठीक है। अब आइए इसके एप्लीकेशंस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। आपके बुक के हिसाब से जो पहला न्यूमेरिकल है आपके एक्सरसाइज में वो है कि कैलकुलेट कैलकुलेट 1 डिग्री, राइट, कैलकुलेट एंगल एन एंगल 1 डिग्री एन एंगल 1 डिग्री पहला, दूसरा है 1 मिनट, एंड तीसरा है 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन तो आपको पता है कि एक सर्कुलर एंगल कितने होता है, 2 पाई, और एक सर्कुलर एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। सो इस तरह से 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, दोनों ही सर्कुलर एंगल है। एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये आप पहले से पढ़ चुके होंगे, और 2 पाई रेडियन का होगा, ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो ये अगर इतना रेडियन है, शॉर्ट में RAD लिखते हैं, तो 1 डिग्री में कितना होगा, तो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, RAD, ठीक है। 2 × 3.14 पाई का मतलब, और ये 360 रख ले, तो ये रेडियन हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.745 × 10⁻², रेडियन। ये आप खुद कर लेना डिवाइड, डिवाइड ही तो करना है, तो ये आ जाएगा। तो 1 मिनट जो है बेसिकली वो इतने रेडियन के बराबर होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू दिस रेडियन। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है जी, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 60 मिनट, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 60 मिनट, राइट, दिस इज कॉल्ड मिनट, ये सिंबल है मिनट का। तो 60 मिनट होता है, इसका मतलब 1 डिग्री में इतना रेडियन है, तो 60 मिनट में रेडियन है 1.745 × 10⁻², रेडियन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट की अगर हमें निकालनी है, यहाँ पे जैसे लिखा है 1 मिनट हमें निकालनी है 1 मिनट की, तो 1 मिनट की निकालनी है तो इसमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 60 से जब डिवाइड करेंगे 1 मिनट में, तो ये हो जाएगा 745 / 60 × 10⁻²। आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.908 × 10⁻⁴ रेडियन, ये कह सकते हैं, या 2.91 कह सकते हैं 08 को, तो 2.91 अप्रोक्स, ठीक है, × 10⁻⁴ रेडियन होता है। अब इसी तरह से आगे बात करें तो ये तो हो गया 1 मिनट, 1 सेकेंड आपको चाहिए, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स इसको कहते हैं, सेकेंड्स, ठीक है, टाइम यूनिट है। इसमें है 2.908 × 10⁻⁴ रेडियन, सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.908 × 10⁻⁴ रेडियन डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, 60 से फिर डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। इसलिए 1 सेकेंड जो है वो आ गया 4.85 × 10⁻⁶, एंड 1 मिनट जो है वो आ गया कितना,
1 minute is equal to 2.908 into 10 to the power minus 4 radian, और 1 degree is equal to 1.745 into 10 to the power minus 2. तो इस तरीके से आपको 6 से डिवाइड करते जाना है. पहले वाले में डिग्री वाले में पावर माइनस 2 है, फिर माइनस 4 है, फिर माइनस 6 है ना. तो ये दिमाग में रख लेना है. तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना. देयर इज अनदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज इन योर बुक. यू कैन सी दैट आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ओनली, बट द क्वेश्चन इज लाइक दिस. दैट क्वेश्चन इज से a man is just standing at this point A. I'm just explaining this A, and he in front of tower C. This is the tower C, and he want to measure the distance from C to A. But how he can measure? So he is just looking, observing another point O very far away from C, and then perpendicular distance from A he moves away 100 meters, say some distance, say 100 meter, and another reach another point B, and from there he want to see again this point O. But since O is very far point, O is very far point, so this is the perpendicular. So he see far, any far point looks like parallel lines. अगर किसी फार पॉइंट को हम देखें दो अलग अलग जगहों से तो ये लगेगा लगभग कि एक पैरेलल लाइन है. तो यहाँ से हम जो कि फार पॉइंट ये ओ है, कहीं इधर कहीं ओ है, यहाँ बी से हम देख रहे हैं और सी को भी देख रहे हैं. तो पहले ए से सी को देख रहे थे तो लाइन ऑफ साइट ये था ना, लाइन ऑफ साइट ये, और अब बी से सी को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ये शिफ्ट हो गया. लाइन ऑफ साइट यहाँ बी से लेकर के और ये सी तक ऐसे शिफ्ट हो गया. तो पहले जो लाइन ऑफ साइट ये था ए से सी तक का ये था, अब बी से सी तक का ये हो गया, और ये कुछ एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है. ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, है ना. तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये शिफ्ट हो गया. पहले सी से लाइन ऑफ साइट जो था ए से वो ये सी यहाँ पे पॉइंट है, और ये सी पे ये जो लाइन ऑफ साइट था ए से सी का वो ऐसा था, बी से सी का लाइन ऐसा है. तो दोनों के बीच में जो लाइन ऑफ साइट है ये एक लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और ये है एक लाइन ऑफ साइट. दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है, एंड दैट थीटा इज गिवन एज 40 डिग्री. अब आपको निकालना है कि ए सी का डिस्टेंस क्या है. तो देखिए ये थीटा है और ये भी थीटा है. थीटा के सामने वाला इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर. अपोजिट साइड को कहते हैं अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर. और राइट एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस. तो ये हो गया बेस. अब परपेंडिकुलर और बेस में हमें ए सी निकालना है, ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना है. ये सी क्या है, यहाँ पे है टावर, ठीक है ना. तो सी और ये कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. पैरेलेक्स एंगल इसका थीटा है, और थीटा इज व्हाट, ये थीटा जो है वो 40 डिग्री है. सो इसलिए अब हमें यहाँ पे निकालना है AC. तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड. तो अपोजिट साइड कितना हो गया इस थीटा एंगल के लिए 100, और एडजेसेंट साइड क्या है AC. और tan 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 40 डिग्री. ये किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा होता है. tan 40 की वैल्यू कितनी होगी ये क्वेश्चन में लिखा होगा, ये होता है 0.8391, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में लिखा होता है. और ये है 100 डिवाइडेड बाय AC, एंड देयरफॉर AC इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.8391, और इसको डिवाइड करोगे तो 119 मीटर आंसर आ जाएगा. तो ये टावर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, और ये था आपका सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. दोनों के बीच का ये फर्क जो है कितना है, 100.
तो ये हो गया बेसिस, बेसिस कितना हो गया 100, और ये हो गया हमारा डी निकालना है आपको, ये डिस्टेंस निकालनी है। और हमने ये पैरेलेक्स मेथड से देखा है, ये थीटा है एंगल है, और एंगल दो अलग अलग पॉइंट से यहां से बनाने पे ये सी और बी से बन रहा है, ये दो अलग अलग बेसिस पॉइंट से देखने पर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरालेटिक एंगल और पैरालेक्स एंगल, बताया था पैरालेक्स एंगल और पैरालेटिक एंगल, ये दो अलग अलग पॉइंट से ये मेजर किया जा रहा है ना। और आपको एसी निकालना है यानी डी निकालना है, तो आप थीटा एंगल इज इक्वल टू आर बाई रेडियस हम करते ही हैं, और रेडियस ये डी है, तो 100 बाई क्या हो गया डी इज इक्वल टू टेन फोर्टी टेन थीटा, छोटे एंगल को आप टेन थीटा को, थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए ये आ गया 119 मीटर। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो लिखा हुआ है, हमने उसका सॉल्यूशन लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी को टावर ए पॉइंट पर है, उसे टावर सी दिख रहा है और वहां सी से ए की डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन टावर के सीध में एक दूसरा कोई पॉइंट, बहुत दूर का पॉइंट उसने देख लिया ओ, और ओ बहुत दूर का पॉइंट है, ये कहीं भी हो सकता है, वो इधर में बहुत दूर है, इसलिए उसको हम इसी लाइन में मान सकते हैं। दूसरा ये कि अब बी यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 100 मीटर चल दिया और यहां से आके उसी पॉइंट ओ को देखा, तो चूंकि बहुत दूर है इसलिए इसको पैरेलल लाइन मान सकते हैं, लाइन ऑफ साइट क्या हो सकती है पैरेलल, ये भी बहुत दूर था इसलिए लाइन ऑफ साइट को हम क्या मान सकते हैं पैरेलल। लेकिन सी को देखेगा तो सी पॉइंट को देखने पर इसका बी से सी को देखने का और ए से सी को देखने का दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में कितने का एंगल बना रहा है 40 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री हो गया। ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिस, है ना। तो बेसिस ये हो गया, और बेसिस हो गया 100, थीटा हो गया 40 डिग्री, डी आपको कैलकुलेट करना है, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल बन जाएगा। देयर इज अ थर्ड न्यूमेरिकल, एंड थर्ड न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, ये अर्थ है इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से मून को देखा जा रहा है, और मून का जो है ये मून है, ठीक है, और ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से मून को देखा जा रहा है, एक यहां से मान लेते हैं कि मून को देखा जा रहा है और एक यहां से देखा जा रहा है, अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, ये पैरेलेक्स मेथड का क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो ये मान लेते हैं कि यहां से देखा जा रहा है मून को और ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है अर्थ के, एक ये है और एक जो है ये, ठीक है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है कितना, डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है अर्थ का, कितना दिया हुआ डायमीटर, डायमीटर दिया है, हाँ ये डायमीटर है डी, ये बेसिस हो गए, दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच के डिस्टेंस को बेसिस कहते हैं, बेसिस बी, और ये है डिस्टेंस डी, और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो जो बेसिस है यानी डायमीटर जो दिया हुआ है बी, वो दिया हुआ है 1.276 × 10⁻⁷ मीटर, 12,760 किलोमीटर के आसपास, तो ये होता है इतना मीटर बेसिस दिया हुआ है, और ये डी हमें कैलकुलेट देना है, और थीटा जो है वो दिया हुआ है 1 मिनट 54 सेकेंड, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड प्लस 54 सेकेंड यानी 114 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना होता है, सिंस 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है 4.85, 1 सेकेंड इज 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन होता है, सो देयर फॉर 114 सेकेंड इज इक्वल टू 114 × थीटा इज इक्वल टू, आई कैन राइट हियर थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू है 114 सेकेंड, सो आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 114 सेकेंड, दैट इज 114 × 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से ज्यादा है, तो दो पॉइंट तो ऐसे ही कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.32 × 10⁻², ठीक है, ये आ गया। तो थीटा की वैल्यू आपको पता चल गया, एक तो बी पता चल गया, एक थीटा पता चल गया,
और ये डी है। और एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस क्या होता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू बाई पैरलेक्स मेथड, बाई पैरलेक्स मेथड वी हैव लर्न दैट थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, इसलिए डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। और बी कितना है हमारा, बी है ये लिखा हुआ है 1.276 इंटू 10 to the power 7, और थीटा आ गया हमारा 3.32 इंटू 10 to the power -2। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर। कितना, ये है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, 384,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है मून एम और ये है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ से मून का डिस्टेंस हम इस तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये था थर्ड न्यूमेरिकल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो पैरेलेक्स मेथड से ऐसे हम किसी दूसरे प्लेनेट का, दूसरे स्टार का हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या लाइट ईयर से भी स्टार के डिस्टेंस लाइट ईयर के टर्म्स में निकाली जाती है कि कितने लाइट ईयर के बाद कोई लाइट हमारे पास उस स्टार से यहाँ तक पहुंचा है, उससे उस स्टार के डिस्टेंस लाइट ईयर के टर्म्स में कैलकुलेट की जा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये एक न्यूमेरिकल है और ये सेकेंड्स है, ये सेकेंड है, 1 सेकेंड में होता है इतना। ठीक है ना, ये सेकेंड का सिंबल है तो आप इसे कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन से अर्थ का, सन की डायमीटर कैलकुलेट करनी है, इसमें लिखा है, और एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 1920 सेकेंड्स। सो थीटा जो है एंगुलर वो 1920 सेकेंड्स का बन रहा है। यहाँ पे एंगल जो है वो एंगुलर है, इसलिए प्लेन एंगल ना होकर के एंगुलर लिखा है, तो आप अल्फा भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये थीटा लिख दिया 1920 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना होता है, अभी यहाँ पे देखा इतना रेडियल होता है, तो ये हो गया 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 to the power -6 रेडियल, इतना हो गया। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9.31 इंटू 10 to the power -3 रेडियन, इतना आ जाएगा। तो थीटा आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को हकीकत में समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एंगल दिया हुआ है, डिस्टेंस डायमीटर निकालना है सन का, और अर्थ से हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए। सो अर्थ से सन का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वन, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज डी इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये इंफॉर्मेशन और ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब आपको निकालना है क्या, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सन, यानी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का पहले क्वेश्चन की तरह है, ये है सन। ठीक है, सन की डायमीटर हमें निकालनी है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है 2, और अर्थ जो है वो यहाँ पे, अर्थ जो है यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ उल्टा क्वेश्चन है थोड़ा सा, अर्थ ऐसा है और यहाँ से हमें 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये माना गया कि ये एंगल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, तो ये एंगल जो बन रहा है ये एंगुलर, इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में जो लिखा है कि ये जो एंगल बन रहा है 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, वो बन रहा है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और इन दोनों से डायमेट्रिकली अपोजिट से जो बन रहा है डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, और ये एंगल दिया हुआ है, और हमें निकालना है इसकी डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है ना, तो इसका मतलब है कि हमें बी कैलकुलेट करना है, रफली ये कहें कि बी कैलकुलेट करना है। डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और थीटा जो है वो भी दिया हुआ है। तो आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई डी, और आपको निकालना है क्या, तो बी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इंटू डी। थीटा कितना है, तो 9.31 इंटू 10 to the power -3, और डी क्या है, 1.496 इंटू 10 to the power 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस ऑफ सन निकल जाए, डायमीटर ऑफ सन निकल जाए, और ये आएगा 1.39 इंटू 10 to the power 9 मीटर, यानी ये लगभग लगभग 1.4 पे, 4 पे, 4 पे कितने जीरो, 1.4 पे 10 to the power 9
यानी 90 1480 14 लाख करोड़ किलोमीटर ऐसा कुछ, तो ये आ जाएगा, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल इस पैरेलेक्स मेथड पे कर सकते हैं, और क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और समझ करके आंसर लिखना है। उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने यहाँ इसलिए नहीं किया कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, और थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा तो ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन का हमने रिजल्ट लिख दिया है। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो करना है, यहाँ पे देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से ज्यादा होगा तो 1 0 और आ गया तो 9 हो गया, और बाकी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। सो यू कैन डू इट क्विकली, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये क्लास अब यही खत्म होती है, अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे पैरेलेक्स मेथड की, सॉरी प्रिसीजन की, एक्यूरेसी की, और उस क्लास में आगे बात होगी। टिल देन। अगली क्लास में मुलाकात होती है।